ओके सो गाइस, सबसे पहले MKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन पे दबा के ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोग के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो ग्रामीण कक्षा के लिए मैथ का होगा, और जैसा कि हमको पता है कि हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हम लोग इसके पिछले लेक्चर्स में ठीक है ना 9.1 एक्सरसाइज 9A के कुछ क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे और कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंप्लीट करके ये प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर दिया, और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग हमसे एक बार ज़रूर कहिए कि सर समझ में ये टॉपिक नहीं आया, इसको एक बार पुनः बताइए, मैं पुनः बताऊँगा। मेरा एक उद्देश्य है यूट्यूब पर आने का कि मैं आपके और अपने बीच जिस प्रकार से क्लास में संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार से हम यूट्यूब में भी आपसे और हमारा संबंध बना रहे, और ऐसा फील हो कि सर हमारे पास सामने है और हम ऐसा फील करके पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट्स मेरे क्लास में बैठे हुए हैं। मैं तो मूर्ख बन करके ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अपने आप को पढ़ा भी रहा हूँ और स्वयं पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्लास में खड़ा हूँ और ये जो मेरा कमरा है वो समझते हैं क्लासरूम है, और उस क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और हम उनको क्लास की तरह पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और क्लास की तरह आप लोग पूछने का भी कार्य जारी रखेंगे। आप यही कहेंगे कि सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, हम आपको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। बट आप लोग भी मेरे साथ कोऑपरेट करिए और हमारा साथ देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, केवल वीडियो देखने से ही कार्य नहीं चलेगा, आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए। मनोबल कैसे बढ़ेगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए सर समझ में आया, नहीं समझ में आया सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, मुझे उससे कोई दुख नहीं है कि हमको यार आप लोग कमेंट गलत कर रहे हैं, नहीं, कमेंट का मतलब टिप्पणी, अच्छा कार्य लगे आपको मेरा उसमें लिखिए अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में आया तुरंत लिखिए सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, फिर मैं क्या करूँगा उस चीज़ को और तय तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे आप YouTube चैनल से MKS क्लासेस के साथ, आपको इन फ्यूचर्स आपको सभी क्लास प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना, इस MKS क्लासेस पर। तो आइए चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है और हम लोग किस किताब से पढ़ रहे हैं, मनोहर से पढ़ रहे हैं। आपके बड़े भैया होंगे 12 में पढ़ने वाले, उनसे बताइए कि मनीष सर के द्वारा मैथ पढ़ाई जाती है मनोहरी की बुक से, फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, तो आप अगर हमारा ही प्रचार करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम होगा। तो किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद एन बराबर एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4 है, वह श्रेणी ज्ञात करो। तो भैया मैंने कहा कि किसी समांतर श्रेणी का हमारे पास, ठीक है ना, ये कहा समांतर नहीं है, कह रहा किसी श्रेणी का, अभी हम लोग समांतर श्रेणी थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, अभी श्रेणी केवल अनुक्रम पढ़ रहे हैं। तो किसी श्रेणी का, अब मुझे ये नहीं पता कौन श्रेणी है, समांतर है गुणोत्तर है आत्मक है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बस मुझे इतना मतलब है कि उस श्रेणी का यनवा पद दे दिया गया है, श्रेणी हमें ज्ञात करना है उस यनवे पद की सहारा से। तो कुछ नहीं करना है, यन को 1, 2, 3, 4 पुट करते हुए चले जाना है और उस क्रम में आपको श्रेणी मिल जाएगा। तो आइएगा सबसे पहला चीज, ठीक है ना, श्रेणी का यनवा पद, श्रेणी का यनवा पद एन बराबर एन इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। अब हम लोग श्रेणी का, ठीक है ना, पहला पद ज्ञात कर लेते हैं, पहला पद, तो पहला पद n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा a, जहां जहां n होगा वहां वहां पुट करेंगे 1, ठीक है ना, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो होगा a 1 इक्वल 1 इंटू, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1,
और 1 में 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6, और 6 बाई कितना होगा 4, और यहाँ कौन संबंध है गुड़े का, तो A1 बराबर 6 करने 6/4, 2 × 4, 2 × 3 = 6, तो A1 कितना मुझे मिला 3/2 मिल चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से समांतर से उस श्रेणी का हमें पहला पद मिल चुका है। इसके बाद n बराबर 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ भी n होगा वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा, तो A2 थोड़ा सा अब हम शॉर्ट करते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 9, और 9/2 कितना होगा 4, ठीक है ना। एक बार पुनः 2 का स्क्वायर 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि n के वैल्यू को 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 5 ऐड करेंगे 9, तो 9/4। अच्छा ये बताइए यहाँ कौन संबंध, डॉट का मतलब गुड़ा, 9 का अंश है 4 हर है, तो 2 अंश है 1 क्या होगा हर होगा, 2 एक करने में 2, 2 × 2 = 4, तो A2 कितना हो गया 9/2, मतलब हमें द्वितीय पद भी मिल चुका है। इसके बाद में n बराबर कितना पुट कर दें 3, तो n बराबर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा A3 इक्वल n के जगह पर 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 में 5 ऐड कर देंगे कितना होगा 9 × 5 = 14, 14/4 बट्टा 1 कटने वाला नहीं है, तो हो जाएगा 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42 / 4, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 × 2 = 4, 21 × 2 = 42, A3 21/2, तो 3 पद तक बहुत है, 3 पद ज्ञात कर लिए बहुत हो गया, ठीक है ना। 2 से अधिक पद ज्ञात कर लीजिए सीरीज बन जाएगा, अतः प्राप्त श्रेणी क्या होगा, A1, A2, A3 ... एट सो वन, तो 3/2, 9/2, 21/2 ... एट सो वन, ये हमारा एक श्रेणी प्राप्त हो गया। ये श्रेणी किसकी सहायता से मिला ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी श्रेणी का यनवा पद दे दिया जाए और उसके पश्चात हमसे वह श्रेणी पूछा जाए तो बड़े आसानी से लगा सकते हैं। वो बंदा, वो लड़का, वो छात्र, वो 6 में पढ़ता होगा, 7 में पढ़ता होगा, अगर भिन्न का उसे ज्ञान है तो आसानी से उस चीज़ को लगा सकता है। तो आप लोग 11th में पहुंच चुके हैं, तो यनवा पद हमें दिया गया था, यन इक्वल 1 पुट किया, एन इक्वल 2 पुट किया, एन इक्वल 3 पुट किया, उसके फलस्वरूप A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, और वही तो A1, A2, A3 उस श्रेणी का, वही तो श्रेणी होगा, और A1, A2, A3 क्या उस श्रेणी के पद होंगे। बात समझ में आ रहा है ना, तो चाहे AN कहे चाहे TN कहे बात इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। वीडियो आप लोग नोट मतलब पाउस करके देखा कीजिए या स्क्रीनशॉट ही ले लिया कीजिए, बाकायदा अपने कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 का रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए, तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं, अब तो ये खिलौना हो चुका आप लोगों के लिए। इसमें से क्वेश्चंस ये है, A1 = 3 और AN = दे दिया गया है 3, AN-1 + 2 सभी जो n के वैल्यू हैं वो कह रहा है n का मान > 1। ये जो लिखा है इसको समझने में आप लोग भूल मत करिएगा, इसका ये मतलब n का मान 1 से बड़ा अथवा 1 के बराबर, जिस तरह मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, n का मान या तो 1 के बराबर होगा या अथवा 1 से बड़ा होगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, संगत श्रेणी ज्ञात करना है जिसमें से हमें प्रथम पद दे दिया गया है, nवां पद दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ से जब हमें उस श्रेणी के 5 पद लिखना है तो 5 पद का मतलब A1, A2, A3, A4, A5 यही तो होंगे भैया। तो प्रथम पद तो A1 तो पता है कितना है, 3, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। A2 ज्ञात करते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो आइए, n बराबर 2 रखने पर तो होगा A2 इक्वल 3 इंटू ए, एन के जगह पर 2 माइनस 1 और प्लस में 2। दिस इंप्लाइज A2 इक्वल 3 इंटू ए, 2 में से 1 गया 1 प्लस 2, और A2 इक्वल 3, A1 का मान कितना है देखिए 3 है प्लस 2। दिस एम्प्लाइज A2 तीन त्रिक्का 9, 9 दो 11, तो A2 हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद में अब की बार n बराबर 3 रखने पर तो अब की बार शॉर्टकट लिखेंगे A3, ठीक है ना, A3 3 और 3 में से 1 गया, देखिए n का मान 3, 3 में से 1 गया 2, तो A2 होगा और A2 का मान कितना है 11 है। देखिए, अरे भाई n का मान 3 है ना, तो 3 में से 1 गया 2, A2 होगा, A2 का मान कितना है 11 है, तो 3 में 11 का गुणा कर दिए और प्लस है 2, तो 11 3 33 और 33 और 2 कितने होते हैं 35, तो हमने तीसरा भी टर्म फाइंड आउट कर लिया। अब n बराबर कितना पुट करेंगे, 4 रखने पर तो हो जाएगा A4, तो हो जाएगा 3 और ये 4, 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3, तो प्लस 2 A4 3। A3 का मान कितना है 35 है ना, A3 का मान कितना है 35 प्लस 2 35 दूना 70 और 35 तीन 105, 105 में 2 ऐड कर देंगे कितना होगा 107 होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में 5 पद लिखना है तो अब लास्ट पर टर्म A5 3, तो 5, 5 में से 1 गया 4 और कितना है 107 और प्लस 2, तो 3 सत्य 21, 21 के 1 हासिल 2, 3 शून्य 0, 2, 3 एकन्य 3 और प्लस 2 और 300 कितना हो जाएगा 23। तो इस प्रकार से हमने पांचवा पद भी ज्ञात कर लिया। अब संगत श्रेणी कहा है ना, अतः संगत श्रेणी, अतः अब संगत श्रेणी A1 कामा A2 कामा A3 कामा A4 कामा A5 डॉट डॉट डॉट। अब A1 का मान रख दीजिए कितना है 3, A2 का मान 11, A3 का वैल्यू 35 और A4 का वैल्यू 107 और 323 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, बहुत आसान बात था, समझ में आया होगा, मज़ा तो आया होगा। इसके बाद भी कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे फिर से एक बार। आइए, बाल बाल सही आ रहा है ना। आइए भैया, इसके बाद चलते हैं अगला चीज देखते हैं बी। ये चीज मिटा देते हैं। अब एक सवाल समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, बस लगवा दे रहे हैं। चलिए, बी बी कह रहा है कि A1 इक्वल -1, ठीक है ना, और इसके बाद में an का मतलब उस श्रेणी का nवां पद, an-1 होल बाई n, और n का जो मान है वो 2 से बड़ा अथवा 2 के क्या है भैया बराबर, देखिए n इज ग्रेटर देन आर इन इक्वल 2। तो हमें प्रथम 5 पद लिखना है जिसमें से प्रथम पद तो दिया है, बाकी द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली करते हैं,
एन का मान दो से बड़ा है, दो के बराबर का है, तो दो से स्टार्ट करते हैं, एन बराबर दो रखने पर तो हो जाएगा ए टू 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 टू। अब आइए टू टू, ए एन का मान कितना है टू, ठीक है ना, तो हो जाएगा ए टू माइनस वन बाई, ये ऐसा मत समझिएगा कि ए एन है फिर माइनस वन है, ये एन माइनस वन एक साथ रहेगा, ठीक है ना, सफिक्स में रहेगा। एन का मान कितना आपके पास है, दो है, तो ए टू, ए टू माइनस वन, दो में से एक गया एक बाई टू, ए वन कितना है माइनस वन बाई टू, तो इस प्रकार से ए टू का मान कितना आपने फाइंड आउट किया, माइनस वन बाई टू। अब एन बराबर तीन रखने पर, अब कुछ डायरेक्टली हम करेंगे भैया, समझ लीजिएगा, ए थ्री 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 फ्री हो जाओ भैया, थ्री माइनस वन टू टू, ए टू बाई एन, एन का मतलब थ्री, ए टू कितना है माइनस वन बाई टू, थ्री का है भाग, तो ए थ्री हो जाएगा माइनस वन बाई कितना सिक्स। ऐसे ए फोर ज्ञात कर लीजिएगा भैया, ए फाइव भी ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम सी में चलते हैं, लग जाएगा ना यार, कोई दिक्कत है आप लोग उतना बेइज्जती मेरी मत कराना, ठीक है ना, बेइज्जती माने अब आसान सवाल आप लोग खुद भी लगाने का प्रयास करिएगा। आइए इसके बाद चलते हैं, सी कह रहा है ए वन बराबर ए टू, सी कह रहा है ए वन बराबर ए टू और ये सब बराबर हैं दो के, और यनवा पद दे दिया गया है, ए एन दे दिया गया है, ए एन माइनस वन और माइनस वन, और इसके बाद एन का मान दो से क्या है भैया बड़ा है, एन इज ग्रेटर देन टू, तो कोई दिक्कत नहीं है, पांच करना है, दो तो ऑलरेडी हो गए हैं, और का भी दिया एन का मान दो से बड़ा, तीन से स्टार्ट करेंगे, एन बराबर तीन, बताओ दो से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तीन बिल्कुल बड़ा है, ए थ्री और थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा टू माइनस वन, ए टू कितना है दो माइनस एक, तो ए थ्री दो में से एक गया एक, ऐसे ए फोर, तो ए चार में से एक गया तीन माइनस वन, ए थ्री कितना है वन माइनस वन, ए फोर कितना हो गया ज़ीरो, ऐसे ए फाइव, अब ए फाइव निकालना होगा आपको, तो हो जाएगा ए पाँच में से एक गया चार, ए फोर माइनस वन, ए फोर कितना है जीरो माइनस वन, ए फाइव माइनस वन, प्राप्त श्रेणी दो कामा दो कामा एक कामा जीरो कामा माइनस एक, ये श्रेणी हो जाएगी। अब हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, मज़ा आ जाएगा अभी उसमें भी। कह रहा अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, लगा लीजिएगा कोई दिक्कत है नहीं, लगवा भी दे रहे हैं, अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, परिभाषित कैसे है भैया, कह रहा वन बराबर ए वन बराबर ए टू, ठीक है ना, तथा कथा नहीं भैया तथा ए एन, ए एन बराबर ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, और इसके बाद कह रहा है कि एन इज ग्रेटर देन टू, एन इज ग्रेटर देन टू, तो ए एन प्लस वन होल बाई ए एन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, और इसके लिए कह रहा है जबकि एन बराबर एक दो तीन चार डॉट डॉट डॉट, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, हमें दो चीज ज्ञात करना है, एक कह रहा है कि एक मिनट थोड़ा सा आंसर भी इसका देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 15
चलिए कोई बात नहीं है। कह रहा है कि ए वन बराबर ए टू बराबर वन, मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद किसके बराबर है, एक के बराबर हैं। और कह रहा है एन बराबर इतना, एन का मान दो से बड़ा है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, आप क्या करिएगा, एन का मान तीन से स्टार्ट करिए, एन बराबर थ्री रखने पर थ्री रख देंगे तो ए थ्री होगा। ए थ्री जब हो जाएगा तो तीन में से एक गया, कितना बचेगा, दो बचेगा। और इसके बाद क्या होगा, ए एन के जगह पर थ्री, थ्री माइनस टू कितना होगा, वन होगा। और ए टू आपके पास कितना है, ए टू आपके पास एक है ना, और ए वन भी एक है, तो ए थ्री आपके पास कितना होगा, दो हो जाएगा। ऐसे एन बराबर चार कर दीजिए, एन बराबर जब चार कर देंगे तो ए फोर हो जाएगा, और जब ए फोर हो जाएगा तो ए चार में से एक गया, तीन बचेगा, और यहाँ भी ए रहेगा, चार में से दो गया, कितना बचेगा, दो बचेगा। और ए थ्री का मान कितना हो गया आपके पास, ए थ्री का मान आपके पास हो गया है दो, और ए टू का मान कितना आपके पास है, एक है। तो इस प्रकार से ए फोर कितना आपके पास आ गया है, थ्री आ गया है, ठीक है ना। इसके बाद एन बराबर पाँच रख दीजिए आप, तो हो जाएगा ए फाइव, और ए पाँच में से एक गया चार, और पाँच में से दो गया, कितना बचेगा, तीन। तो ए फोर कितना आपके पास है, थ्री, और ए थ्री कितना आपके पास है, टू। तो इस प्रकार से ए फाइव आपको कितना मिल चुका है, पाँच। अब इसके बाद कह रहा है ए एन प्लस वन होल बाई ए एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। और एन का मान एक दो तीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से एन बराबर एक पुट करिए, ठीक है ना। एन बराबर जब एक पुट कर देंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और ए एन, एन कितना पुट कर रहे हैं, एन बराबर वन पुट कर रहे हैं, तो एन का मान वन क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि एन का मान एक दो तीन चार इसके लिए प्रतिबंध है, एन का मान दो से बड़ा होगा, लेकिन इसके लिए एन का मान एक से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने एन का मान एक पुट किया, तो एक और एक कितना होगा, दो, और यहाँ एन का मान वन, तो द्वितीय पद कितना आपके पास है, वन है। प्रथम पद कितना है, वन है, वन में वन का डिवाइड करो कितना मिलेगा, वन मिलेगा। इसके बाद में अब एन का मान दो रखेंगे, तो दो और एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और एन, एन का मतलब कितना हो रहा है, एन बराबर दो पुट कर रहे हैं भैया, ठीक है ना, एन बराबर दो पुट कर रहे हैं, तो दो और एक कितना हो गया, तीन, और यहाँ हो गया ए टू। और ए थ्री का मान कितना आपके पास है, ए थ्री का मान टू है, और ए टू का मान कितना आपके पास है, वन है। तो इस प्रकार से आपको कितना मिला, दो मिला। ऐसे ही एन बराबर थ्री पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जिगजैग लिखने का मॉडल कर रहे हैं। एन बराबर थ्री पुट कर रहे हैं, थ्री रखने पर तो हो जाएगा तीन और एक कितना होता है, चार। और ए थ्री, ए फोर कितना आपका आ चुका है, थ्री आया है, और ए थ्री कितना आया था, दो आया था। तो इस प्रकार से कितना मुझे मिला, तीन बटा दो मिला। ऐसे ही एन का मान आपको चार भी पुट करना है, एन का मान पाँच भी पुट करना, क्योंकि चार पाँच कहाँ तक का है, चार का है, पाँच का है, इसके बाद आपका ये आंसर आ जाएंगे। कुछ करना नहीं था, जैसे कहने का मतलब क्या है कि हमने इसकी सहायता से ए थ्री, ए फोर, ए फाइव फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद दूसरा चीज़ मुझसे ये पूछा है, उसके लिए एन का मान एक से लेकर के पाँच तक करना, उस कंडीशन में कितने इसके वैल्यू प्राप्त होंगे। तो जैसा कि हमने कुछ वैल्यू फाइंड आउट किया, इसके बाद चार पाँच आप लोग रखते हुए जाएंगे, फिर आपको कुछ ना कुछ मान मिलते जाएंगे, और इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर्स आ जाएंगे। और आज हमने 9.1 को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो 9.2 का होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बारे पुनः कह रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।